पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर हैं। लगातार वो क्षेत्र भ्रमण कर न सिर्फ लोगों की फरियाद सुन रही हैं, बल्कि क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर भी बेहद सक्रिय हैं। तो वहीं इस दौरान उनसे मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बर घटना के बारे में सवाल किया गया, तो इस सवाल पर वो जवाब देते हुए घबराती हुई नजर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही हूँ। फिर भी उन्होंने जवाब में कहा कि जो हुआ वो दुखद है और सरकार जरूर कुछ करेगी जिससे ऐसी घटना फिर से न हो सके। सांसद जी, मणिपुर में महिलाओं के साथ बड़ी बहुत दुखद हुआ है, बहुत दुखद। क्या कहना चाहिए? अब सरकार उस पर काम कर रही है, जरूर सरकार कुछ करेगी जिससे ये हॉरिबल दुर्घटना फिर से ना हो। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि मेनका गांधी खुद इस घटना को लेकर कुछ भी कहने से बच रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे वरुण गांधी कई बार सरकार की नीतियों और कामकाज के तरीकों के खिलाफ सवाल करते हुए नजर आए हैं, और ऐसी घटनाओं पर वो सरकार की आलोचना भी खुले तौर पर करते हैं, मगर पिछले कई दिनों से वो भी खामोश हैं और उनकी भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि मेनका गांधी ने नगर क्षेत्र के प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने पर उसका उद्घाटन किया। इस दौरान सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल सहित तमाम भाजपा नेता और लोक निर्माण विभाग अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सड़कों के लोकार्पण के बाद मीडिया से रूबरू हुई सांसद मेनका गांधी ने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण और बीच में डिवाइडर बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल रही है। एक तो सुंदरता आई है, डिवाइडर्स लगे हैं, पेड़ लहराते हुए दिख रहे हैं, उसके ऊपर से जैम्स बहुत कम हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई मुहर्रम के लिए निकाले या कोई दिवाली के लिए निकाले या कुछ और, तो फिर कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं तो जैम बंद हो गए हैं। अब कोशिश यही होगी कि पूरे शहर को हम सुंदर बना। जलवायु नियंत्रण के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे लोगों से पौधरोपण की दिशा जी? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप बीमार हैं और उपाय केवल एक दवाई है, तो जो नहीं लेता है दवाई वो तो मूर्ख होगा ही। इस वक्त धरती बीमार है, इतनी गर्म हो गई है कि वो बेमौसम चल रही है। हम लोगों की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बेमौसम पड़ रही है, इसमें बहुत बहुत नुकसान होगा खेतों में, किसानों को, और जब किसान को नुकसान होता है तो फिर हम सब लोगों को नुकसान होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए। वहीं मेनका गांधी ने इस बार ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने पर जोर दिया ताकि शहर हरा भरा रहने के साथ साथ यहाँ का तापमान भी नियंत्रित हो सके।